छपरा मामले पर चिराग का फूटा गुस्सा, सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा समाधान यात्रा में अपराध पर क्या हल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। बिहार के छपरा में हुई लिंचिंग मामले को लेकर राजनीतिक प्रक्रिया जोरों पर है। रविवार को चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार में हो रहे अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना बेहद शर्मनाक है, बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, अपराधियों के अंदर कोई डर नहीं है, लाठी डंडे लात घुसे से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बताएं बिहार में हो रही हत्याओं को रोकने के लिए कोई समाधान है। चिराग राघोपुर में स्वर्गीय बृजनाथी सिंह के मृत्यु अवार्डना कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, वहां उनसे छपरा में लिंचिंग में एक व्यक्ति की मौत को लेकर सवाल किया गया, तो नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते चिराग पासवान ने कहा कि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, जिस तरीके से सामाजिक और आपराधिक छवि के लोगों ने पीट पीट कर मारने का काम किया है, यह अपने आप में दर्शाता है कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। बिहार में अपराधियों में आज की तारीख में कोई डर नाम की चीज नहीं है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने बिहार में हाल के दिनों में हुई हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आरा में जिस तरीके से महिला की गला रेतकर हत्या की गई, वो भी कोई मामूली घटना नहीं थी। मधुबनी में जो घटना हुई है वह भी छोटी घटना नहीं है। छपरा में मॉब लिंचिंग की घटना हुई है या कोई सामान्य घटना नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री की यात्रा पर भी चिराग पासवान ने निशाना साधा। छपरा में तीन लोगों को भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बताया गया है कि सभी एक मुखिया के ऊपर फायरिंग की घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे। इसके बाद लोगों ने पकड़कर बेरहमी से पिटाई की है। पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन मॉब लिंचिंग की घटना में मौत के बाद बिहार में सियासत गर्म होने लगी है। आप सभी का इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।